वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कृतिका और मैं हूँ कृतिका। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम सन टैन को इजीली कैसे रिमूव करें और आज का ये मेरा हायर रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करूँगी कि सन टैन, जैसे कि अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में जब हम ज़्यादा धूप में बैठते हैं, ज़्यादा धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन पर सन टैन आ ही जाता है। सेकेंड, ये जो वेकेशन टाइम है इसमें काफ़ी सारे लोग बीच वाले एरिया पर घूमने जाते हैं, तो बीच पर जो समुद्र का पानी होता है तो नमकीन पानी और सेकंड जो सन की रेज होती है उसकी वजह से हम काफ़ी सारा सन टैन, हम जब वेकेशन से रिटर्न करते हैं तो वहाँ से हम काफ़ी सारा सन टैन लेकर आते हैं। तो हम उस सन टैन को इजीली कैसे रिमूव करें, तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी। तो सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप धूप में जाते हैं, जैसे कि आप अगर आप बीच एरिया में जाते हैं तो आप काफ़ी सारे सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारा भर भर के सन टैन आपके ऊपर आ ही जाता है। तो आप इस कंडीशन में जब भी आप बीच वाले एरिया पर जा रहे हैं, आप धूप में जा रहे हैं, आप जब भी आप समुद्र में जाएँ, तो समुद्र में जाने से पहले आपको क्या करना है, आप कोकोनट ऑयल को अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से लगाइए, अपने फेस पर लगाइए, जो भी आपका हाथ पैर और फेस नेक एरिया खुला हुआ है वहाँ पर आप कोकोनट ऑयल लगाइएगा। आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं तो सनस्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप कोकोनट ऑयल भी अपनी स्किन पर ज़रूर लगाइएगा। और गाइस ध्यान रखिएगा कि कोकोनट ऑयल प्योर होना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पतंजलि का कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ ही जो भी आपको प्योर लगता हो उस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सनस्क्रीन लगाया, कोकोनट ऑयल लगाया, लेकिन उसके बाद भी भर भर के हम जो सन टैन लेकर आए हैं तो उसको हम इजीली कैसे रिमूव करें, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी एक होम रेमेडी, जिसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। तो आपको दिखा देती हूँ, हमें लेना है टमेटो या फिर लेमन, दोनों में से एक चीज़ लेनी है, दोनों नहीं लेनी है। और हनी, तो मैंने यहाँ पर ये पतंजलि का हनी लिया है, साथ में टर्मेरिक पाउडर। गाइज हम यहाँ पर इसे अपने फेस पर लगाने वाले हैं, बॉडी पर लगाने वाले हैं, तो जो भी आप हनी टर्मेरिक पाउडर यूज़ करें ये प्योर ही होना चाहिए। तो मैंने ये पतंजलि का हनी लिया है और ये टर्मरिक पाउडर भी पतंजलि का ही है। और मैं आपको बताऊं इसको लगाना कैसे है, पहले तो अगर आपकी स्किन पर, आपके फेस पर लेमन सूट करता है तो आप लेमन ले लें, और अगर लेमन सूट नहीं करता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनके दाने निकल आते हैं, तो इस कंडीशन में आपको लेना है टमेटो, तो आप दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। तो मेरे फेस पर लेमन सूट नहीं करता है तो मैं यहाँ पर लूँगी ये टमेटो, और हमें ये पूरा नहीं लेना है, बस हम इसमें से हाफ पार्ट कर लेंगे, और जो टमेटो का हाफ पार्ट है इसमें हम यहाँ पर ये टर्मेरिक पाउडर इसमें डाल देंगे और हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे शहद, तो आधा छोटा चम्मच हमें इसमें शहद डाल देना है, और उसके बाद अब इस टमेटो को हम अपने फेस पर रब करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप अगर वॉशरूम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और आप और हम स्लोली स्लोली अपने पूरे फेस पर, नेक एरिया पर, जहाँ भी आपके सन टैन हो रहा है वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर लें। इस टमेटो को हम अपने पूरे फेस पर बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको रब करेंगे। ये टमेटो है तो आप इसको इस तरीके से जब करेंगे तो बिल्कुल भी आपके फेस पर ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और बहुत ही स्मूथी तरीके से ये आपके फेस पर अप्लाई भी हो जाएगा। तो पूरे फेस पर, ईयर्स पर, नेक एरिया पर, हैंड्स में, जहाँ भी आपको सन टैन की प्रॉब्लम हो आप इसे अप्लाई कर लें। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और आप
एक बार में तो नहीं बोलूँगी कि एक बार में आपके सन टैन को रिमूव कर देगा, तो आप 2-3 times इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अभी बस 2 मिनट के लिए इसे मेरे फेस पर इसी तरीके से रहने दूँगी और इसके बाद हम नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मेरे फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और फेस को सिर्फ पानी के साथ ही वॉश करना है, फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना है। और आप जब नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करेंगे, आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका फेस इजीली क्लीन हो जाएगा। और काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, 2-3 times में ही आपके जो भी सन टैन है कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। और हमने यहाँ पर इस होम रेमेडी में यूज़ किया था टमाटो, और अगर आपकी स्किन इस तरीके की है कि आप लेमन अप्लाई कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और लेमन टमाटो दोनों में ही विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, और हमने यहाँ पर टर्मरिक यूज़ किया था। टर्मरिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो होती होती है, साथ ही साथ टर्मरिक जो हल्दी होती है हमारी स्किन को काफ़ी हद तक फेयर करने का काम करती है और हमारी स्किन को लाइटन भी करती है। और हमने यहाँ पर हनी यूज़ किया था, तो हनी हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड शाइन बनाता है। सो इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक बार में तो रिज़ल्ट नेचुरल चीज़ों से नहीं मिलता है, 2-3 times में आपको इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपका जो भी सन टैन हो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में, आप इसे इजीली अप्लाई कीजिएगा। और जो इंग्रेडिएंट्स थे हमारे घर में हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं। रियली फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।